नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, एबी डी विलियर्स के बारे में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले बता दूं आपको कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया था एबी डी विलियर्स ने 2018 में, और फिर उसके बाद अटकलें लगने शुरू हो गई थी कि एबी डी विलियर्स एक बार फिर से वापसी करना चाहते हैं दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम में। और फिर उसके बाद क्रिकेट फैंस की उम्मीदें जाग गई कि एबी डी विलियर्स हमें एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीकी टीम में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आईसीसी ने इस वक्त एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है। बता दूं आपको कि उस ट्वीट से साफ है कि अब एबी डी विलियर्स दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आईसीसी ने ट्वीट किया है कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि एबी डी विलियर्स अब दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे खबर कुछ भी हो, अगर आगे कुछ इस बारे में अपडेट आता है तो निश्चित तौर पे बताएंगे कि आखिर क्या चीज़ें रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त तक यही पता चला है कि एबी डी विलियर्स अब दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, अब जो कहीं ना कहीं उम्मीदें थीं क्रिकेट फैंस की एबी डी विलियर्स से कि वह एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, वह उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट चुकी हैं। दोस्तों, निराशाजनक खबर है कहीं ना कहीं। और एबी डी विलियर्स के बारे में बता दूं आपको कि बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस किया था उन्होंने आईपीएल में भी। अभी आपको बता दूं कि आईपीएल 2021 पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 7 मुकाबले खेले थे एबी डी विलियर्स ने, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 10 शानदार छक्कों की बदौलत शानदार 207 रन बनाए थे। तो निश्चित तौर पर शानदार फॉर्म में भी थे और उम्मीदें थी कि वह वर्ल्ड कप T20, जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें भी खेलने वाले हैं, इस बात की उम्मीदें थी दर्शकों को। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और साथ ही क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल ही मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। लव यू ऑल।